नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक बार हूँ मेरठ इलाके की एक ऐसी चाय की दुकान पर जहाँ लिखा तो है जैन शिकंजी, लेकिन यहाँ पकोड़े भी मिलते हैं, चाय भी है और तमाम तरह के खाने पीने के इंतज़ाम हैं। और हमारे साथ तीन पत्रकार हैं, इलाका मेरठ का है और तीन पत्रकार इसलिए और यहाँ इसलिए क्योंकि मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के एक दर्जन ज़िलों में अगले 5 दिन के भीतर वोटिंग होनी है, 58 सीटों पर पहले दौर में 10 फरवरी को और उसके बाद फिर 55 सीटों पर दूसरे दौर में 14 फरवरी को। तो आज मैं पश्चिमी यूपी के तीन वरिष्ठ पत्रकारों के साथ इस ठीहे पर चाय और पकौड़े के साथ चर्चा के लिए यहाँ मैं आया हूँ, क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ और इन पत्रकारों से और चाहता हूँ इनसे आप भी समझें कि जो चुनाव होना है 5 दिन बाद और जिस चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जयंत चौधरी से लेकर अखिलेश यादव तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, विजय रथ लेकर घूम रहे हैं, अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं, कई ज़िलों में सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर कैराना अमित शाह के दौरे हो चुके हैं, योगी आदित्यनाथ रैली भी कर रहे हैं, कैंपेन भी कर रहे हैं और उसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का प्रवास है। ये सब इसलिए क्योंकि पश्चिमी यूपी का वो इलाका जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में ज़बरदस्त कामयाबी हाथ लगी थी। पहले दौर के चुनाव की बात करें तो जिन 58 सीटों पर 10 फरवरी को चुनाव होना है आज से 5 दिन बाद, उन 58 में से 53 सीटों पर बीजेपी जीती थी। तो यहां के स्थानीय वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बातचीत में मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि इस बार क्या कुछ परिवर्तन दिख रहा है, कुछ समीकरण बदला है। अगर ये कहा जा रहा है गठबंधन बीजेपी को मजबूत चुनौती दे रहा है, तो वो चुनौती किस हद तक है, क्या पछाड़ने की हद तक है, क्या शिकस्त देने की हद तक है, क्या बराबरी का टक्कर है, क्या किसी की लहर चल रही है। इसी को समझने के लिए परिचय कराते हैं, हमारे बगल में हरि जोशी अमर उजाला से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, हमारे 30-32 साल पुराने मित्र हैं, मेरठ में रहते हैं और पश्चिमी यूपी की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। हमारे साथ हैं श्रीकांत अस्थाना, अमर उजाला में रहे लंबे समय तक, दैनिक जागरण में रहे, संपादक भी, पश्चिमी यूपी के प्रभारी भी और अभी लोकमत अखबार से जुड़े हैं। पुष्पेंद्र शर्मा जी हैं, लंबे समय तक अमर उजाला में रहे, प्रभारी रहे, दैनिक हिंदुस्तान के पश्चिमी यूपी प्रभारी रहे। इन तीनों का परिचय ये बताने के लिए काफ़ी है कि पश्चिमी यूपी की राजनीति को मैं दिल्ली से आकर कुछ ज़िलों में घूमकर जितना नहीं समझ सकता हूँ, ये लोग जो 30-35 सालों से मेरठ में रह रहे हैं इनके लिए ज़्यादा समझना आसान है। और इसलिए मैंने इनसे आग्रह किया चाय पकौड़े पर कि चाय पर चर्चा के शुरुआत 7-8 साल पहले मोदी जी ने की थी, जो अब प्रधानमंत्री हैं, हमने उसमें पकौड़ा जोड़ा है सिर्फ, और पकौड़े का भी रिश्ता प्रधानमंत्री से है क्योंकि एक इंटरव्यू बहुत चर्चित है प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें सवाल रोजगार का था, चैनल जीत था, संपादक एंकर सुधीर चौधरी थे और पूछा रोजगार का कि क्या स्थिति है, तो प्रधानमंत्री ने बोला था कि आपके चैनल के बाहर अगर पकौड़ा बेचता है वो भी एक रोज़गार है अगर 200 रुपये कमा कर जाता है। तो मैंने भी यहाँ 200 रुपये का भी पकौड़ा मंगाया है, लेकिन बेचने के लिए नहीं, खाने के लिए। तो शुरू करते हैं जोशी जी आपसे ही चाय पकौड़े के साथ, अब तो पकौड़ा चाप भी रहे जल्दी जल्दी इधर, मैं जब तक बात कर रहा था चाय भी आधा घटक गया जी। तो पहले दौर का 58 सीट, पहले दौर की 58 सीट, अब उन 58 सीटों पर आगे जाने से पहले मैं मेरठ से अगर शुरू करूं, चूंकि हम मेरठ में हैं, मेरठ में सिर्फ एक सीट को छोड़ दे जो जिस पर समाजवादी पार्टी जीती, 7 में से 6 पर बीजेपी का कब्जा हुआ पिछली बार, ठीक है, शुरुआत हम मेरठ से करते हैं। और पश्चिमी यूपी की के वो कई ज़िले हैं जिसमें बुलंदशहर है, जिसमें मुजफ्फरनगर है, जिसमें पूरी की पूरी सारी के सारी सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती। इस बार कुछ बदली हुई हवा लग रही है कि क्या पश्चिमी यूपी के पहले चरण की सीटें, पहले चरण का जहां चुनाव होना है उन 58 सीटों पर। देखिए, पिछली बार चुनाव एक अलग परिदृश्य में हुआ था, इस बार चुनाव एक अलग माहौल में हो रहा है। इसमें बहुत सारे फैक्टर, छोटे छोटे फैक्टर जुड़ गए हैं जिसमें एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अगर हम अर्बन की बात करें तो यहाँ पर कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट हुआ, हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर जो ऑक्सीजन संकट हुए पूरे देश में ही हुए, और जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया, महंगाई की जो दर बढ़ी, उसके अलावा जो फ्री भी बांटी गई सरकारी सरकार की तरफ से कि कमज़ोर लोगों के हाथों में कि भाई इनको अन्न दिया जाए, मकान के लिए पैसा दिया जाए,
तो वो भी सही मायनों में सही हाथों में नहीं पहुंची, तो जो उसके सुपात्र थे उनके पास नहीं पहुंची, जो ऑलरेडी जिन जो धनाढ्य लोग थे कंपैरेटिवली उनके पास वो सब्सिडी पहुंची। तो ये एक बहुत सारी है, और महंगाई का आलम सबको मालूम ही है। पेट्रोल डीजल की बात आप छोड़ भी दें, उससे एक बार इफेक्टेड होता है नहीं होता है, लेकिन डीजल की दरों का असर सब पर पड़ता है। तो इस एक तो ये फैक्टर काम कर रहा है लगातार, दूसरा बेरोजगारी एक ऐसा फैक्टर है जो लगातार बढ़ रही है। इस वक्त बेरोजगारी चरम पर है। ये मूल मुद्दे हैं। अगर इन मूल मुद्दों को सोचकर मतदाता मतदान करता है तो वो निश्चित तौर पर भाजपा के विरोध में मतदान करेगा। अब मैं आपसे सीधा सवाल, बाकी लोगों पर आने से पहले, अगर मगर का वक्त नहीं है, आज 5 तारीख है, 5 दिन बाद चुनाव है, तो अगर मगर छोड़िए, आप ये बताइए आपके हिसाब से मोटे तौर पर, अगर हम 58 में से 53 सीटें अगर बीजेपी पिछली बार जीती थी और कई कई जिले पूरी तरह साफ खाता ही नहीं खुला विरोधियों का, इस बार क्या दिखता है आपको? क्योंकि जो पश्चिम से जो रुख तय होगा चुनाव का, वही आगे प्रिवेल करेगा। देखिए ऐसा है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि ये बता सकूं 58 में से कितनी सीटें कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। मेरा नाम टाइटल जोशी है लेकिन मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, ठीक है ना। ये बात तय है कि मैं भाजपा के लोग क्या सोचते हैं, मेरी उनसे बहुत मित्रता भी है लोगों से, और मैं मेरठ की बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि 7 में से इस बार 4 सीट तो हम जीत ही जाएंगे। तो जब भाजपा का आकलन 4 का है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने भरे मन से 4 बोल पा रहे हैं। तो 4 अगर बोल पा रहे मेरठ में, तो मेरठ में 7 में 6 उनके पास है, तो 2 लूज कर रहे हैं, 2 लूज कर रहे हैं उनके हिसाब से। लेकिन अगर हम ग्राउंड पर देखें तो इसमें शहर कैंट और दक्षिण, ये सीट जो है अर्बन इलाके में है, इसके अलावा हस्तिनापुर, किठौर और सिवालखास है ना, और सरदना, ये रूरल एरिया में है। सरदना की एक ऐसी सीट है जिस पर संगीत सोम नाम के स्वयंभू बड़े ताकतवर नेता चुनाव लड़ रहे हैं, और भाजपा के लोग कहते थे संगीत सोम तो जीत ही जाएंगे, लेकिन आज भाजपा के लोग ही कहते हैं संगीत सोम का जीतना थोड़ा मुश्किल है, टफ है, फंस गए हैं। तो हर सीट आज की तारीख में भाजपा की फंसी हुई है, सिवाय कैंट और दक्षिण में उनके पास थोड़ा सा बढ़त दिखाई देती है। ऊपरी तौर पर अगर हम आकलन करें तो हमें ये लगता है कि ये इसकी वजह हमें नजर आती हैं, कैंट और इसकी, बाकी 2 के अलावा 5 सीटों पर भाजपा जो है वो उसका ग्राफ नीचे की तरफ और है। मेरठ शहर मेरठ शहर जो है उसमें रफीक अंसारी जीते थे पहले, और रफीक अंसारी सपा के थे, और उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा के, वो हार गए थे, तो उनके साथ तो उस वक्त ये माना जाता था भीतरी घात हुआ है। लेकिन सच्चाई है कि और भी है कि वहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है वो अकेले ही अगर एक पक्ष में वोट डाल दे तो वो अपने किसी भी कैंडिडेट को जिताने और हराने में कामयाब हो सकती है, उसके लिए किसी वोट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सिटी की सीट पर कांग्रेस दमदार तरीके से चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो डिप्टी मेयर भी है और वो भी ब्राह्मण है, और बीजेपी का जो कमल दास शर्मा है वो भी ब्राह्मण है। तो असर अगर हम देखें तो वहाँ पर उस वोट का डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर हिंदू अभी तक की तारीख में वो डिवाइड हो रहा है। कमल दत्त की शिकस्त को रोक पाना मुश्किल है। एक चीज मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि एक पोस्टल बैलेट नाम की चीज होती है। पिछले कई चुनावों में हमने देखा है कि बीजेपी का कैंडिडेट 4,000-5,000 से हार रहा है, फिर अचानक से प्रशासन के किसी आदमी ने बताया कि अभी वो पोस्टल बैलेट गिने जाने हैं, तो वो पोस्टल बैलेट गिने गए और वो पता चला पोस्टल बैलेट में भाजपा का व्यक्ति जीत गया और दूसरा हार गया। तो इस बार पोस्टल बैलेट जो है वो अगर काउंटिंग होगी, अभी मैं उसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर लोग बताते हैं कि वो बहुतायत में मतलब बहुत ज़्यादा भरे जा रहे हैं, रिकॉर्ड है इस बार पोस्टल बैलेट का। और अभी एक और नाटक हुआ था हस्तिनापुर में, वो हस्तिनापुर में एक वन विभाग के दरोगा ने अपनी वर्दी उतार कर कहा और ड्रामा कर दिया उसने पूरा कि मैं लानत है इस पर। वो भी मामला यही था कि उसको कोटा दिया गया था, इतने वोट पोस्टल बैलेट में भाजपा के भरवा के देने हैं, तो वो उसी बात पर विद्रोह कर गया था, खपा था, बोले तो मैं छोड़ता हूँ नौकरी, मुझे इतने दबाव में मैं नौकरी नहीं कर सकता। तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिनमें ये पता चलता है, कुछ शिक्षकों का या जिनकी मतदान में ड्यूटी लगी है, पुलिसकर्मी है, वो पोस्टल बैलेट कितना होगा, और वो यानी भाजपा
पहले राउंड से, पोस्टल बैलेट राउंड से, वो बाद में गिना जाता है, पहले गिना जाता है ये अलग बात है, वो कितने बढ़त लेकर चले। पोस्टल बैलेट आमतौर पर शुरुआत पोस्टल बैलेट से ही होता है, गिनती जो सुबह होती है 8 बजे से 20-25-30 मिनट वही होती है। लेकिन जरा अब श्रीकांत अस्थाना आपसे भी इसमें दर्शकों को बता दूँ कि पहले दौर में 11 जिले में वोटिंग होनी है, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़। अब जैसे आगरा है, आगरा में सभी की सभी सीटें बीजेपी के पास है, 9 की 9। वहाँ की स्थिति अलग है, वहाँ दलितों की आबादी बहुत बैलेंस करती है, मुस्लिम कम है, इसलिए बीएसपी तो कामयाब रही आगरा में 2007 में भी, 12 में भी, सपा बहुत कामयाब नहीं रही, लेकिन बीजेपी ने 2017 में ज़बरदस्त कामयाबी वहाँ हासिल की। ऐसे ही मुजफ्फरनगर है, दंगों का जिक्र होता है, साथ के साथ 6 की 6 सीटें बीजेपी की, मेरठ में 7 में 1 छोड़कर बीजेपी की, ऐसे बागपत में छपरौली, एक जो चरण सिंह का गढ़ रहा उसकी 1 सीट बागपत जिले की छपरौली पर आरएलडी जीती थी कुल पूरे यूपी में, और वो भी बीजेपी में चला गया कैंडिडेट, और बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो, सहेंद्र सिंह रमाला, अगर मुझे नाम याद है, सही नाम है। ऐसे ही मथुरा, आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, इन सब जगह बीजेपी ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। शामली में भी वैसे ही एक नाहिद हसन जीत गए, लेकिन शामली की बाकी दोनों सीटों पर बीजेपी, ये तो भूमिका है। और यही वो इलाके हैं जहां जाट और मुस्लिम फैक्टर का जिक्र बार बार होता है, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां 18%, 20%, 25% जाट हैं, और वहां 25 से 35-40% कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ 50% मुस्लिम। तो एक हिसाब किताब ये भी होता है कि जाट मुस्लिम मिल गए तो कुछ जगह हो सकता है 45-50% हो जाए, विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाए, और इन सब के बीच तमाम तरह के ध्रुवीकरण की कोशिशें हैं जो समीकरण को बदलने बनाने के लिए बयान दिए जा रहे हैं, गर्मी शांत करने से लेकर कहराना मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर जल उठेगा जैसा अमित शाह का बयान। और बीजेपी पूरी कोशिश यही कर रही है कि उसी पिच पर चुनाव हो जिस पिच पर 2017 में चुनाव होता रहा। ये थोड़ा बीच में भूमिका बता दिया ताकि पता चले। अब आते हैं जोशी जी तो कह रहे ज्योतिषी नहीं है, मेरा मकसद ज्योतिषी से था भी नहीं, ज्योतिषी हम में से कोई नहीं है, मैं 5 महीने से घूम रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मेरा जो अनुमान हो वो भी गलत साबित हो जाए। और कई बार नेता को ही जोशी जी नहीं पता चलता है, 325 सीट यूपी में बीजेपी को मिल जाएगी 17 में, बहुत सारे नेताओं को हमने बात की थी नहीं, 67 सीट केजरीवाल को मिल जाएगी वो खुद उनको भी नहीं पता था, और 300 पार बीजेपी कर जाएगी, बीजेपी के नेता भी नहीं सोच रहे। यही स्थिति उस समय 2014 में भी बीजेपी एनडीए 300 पार करेगी कोई नहीं सोचता था। तो ये कई बार जो खुद नेतृत्व करता है, दिन रात घूमता है, उसको भी नहीं पता होता, लेकिन एक समझने की कोशिश, सच यही है। दिल्ली में रह के किसी को नहीं पता था 67 सीट इंक्लूडिंग केजरीवाल, बिल्कुल बिल्कुल, उस समय 49 का आकलन था, 50 मैक्सिमम था कि 55 तक। तो बहरहाल, तो अब आते हैं मेरठ, चूंकि हम मेरठ में हैं, और मेरठ में दलितों की आबादी ठीक ठाक है, कई जगह मैंने देखा 70-80-90 हज़ार भी है, दलित साइलेंट हैं। मायावती की इंट्री चुनाव में बहुत लेट हुई, आगरा से शुरुआत हुई अभी 2 फरवरी को, उसके पहले लग रहा था मायावती नहीं लड़ रही हैं, अब हो सकता है थोड़ा एक माहौल बनाने की कोशिश करें, लेकिन वक्त बहुत कम है। अगर हम मेरठ से शुरू करते हैं, 7 सीट मेरठ इन्होंने अपने हिसाब से बताया, आपका आकलन मेरठ को लेकर क्या कहता है? मेरठ को लेके मैं भाई साहब के, जोशी जी के आकलन से बहुत अंतर मेरे आकलन में भी नहीं है। वास्तविक स्थिति जो मैं समझ पा रहा हूँ इन 7 सीटों पर, वो जो 4 कह रहे हैं, अगर उन्हें 3 सीटें भी मिल जाएं तो शायद ये उनकी बड़ी सफलता गिनी जानी चाहिए, सत्तारूढ़ दल की बीजेपी। चूँकि मैं जो महसूस कर पाया हूँ, लगभग 25 विधानसभा क्षेत्रों से मैं इनपुट ले सका, वहाँ जा सका, तो ऐसा लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी अलग अलग कारणों से, वो एक लहर अगर कोई है तो वो एंटी इनकम्बेंसी लहर है, कोई हिंदू मुस्लिम लहर चलाने की कोई कोशिश अब तक कामयाब नहीं हो सकी, और लगता नहीं कि इन बाकी 5 दिनों में ऐसी कोई कामयाबी मिलेगी। पिछले दिनों जो अभी बात आप कर रहे थे जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन की, तो निश्चित रूप से ये कॉम्बिनेशन जो 2017 में था वैसी स्थिति नहीं है, उसके उलट आज वो एक साथ खड़े हैं। कुछ प्रतिशत हमेशा एवरेंट रहता है, वैसा ही इस बार भी है, और ये कॉम्बिनेशन जो है, जो जयंत के नेतृत्व में जो जाट मुस्लिम एक बार फिर से एकता की जो बात हुई है, ये निश्चित रूप से बड़ा उलटफेर करने जा रहा है। तो मेरठ मंडल में जो ज़िले हैं, एक तो मेरठ में आपने कहा कि 7 सीट जिसमें एक
मतलब 6 बीजेपी के पास है, 1 सपा के पास है, तो अभी आप कह रहे हो कि 3 सीट आपके हिसाब से बीजेपी की लगती है। तीन अगर वो बचा, तीन कौन? तीन, एक तो मेरठ कैंट है, कैंट में अभी कैंट एक बहुत लगातार जीतती रही है, उस समय सिटी गलत बोल गया था, मैं मेरठ कैंट ही बोलना चाहता हूं, लगातार जीतती रही है और मुझे लगता नहीं है कि चूंकि जो अमित अग्रवाल लड़ रहे हैं पहले भी वो यहाँ चुनाव जीत चुके हैं, यहाँ पे रह चुके हैं, लगातार शहर में मौजूद रहे हैं, तो उनकी उपस्थिति का भी एक राजनीतिक उपस्थिति उनकी लगातार बनी रही है, तो उसका लाभ उन्हें दूसरे प्रत्याशियों की तुलना में मिला है, चूंकि जो इसका गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो बिल्कुल नया है, तो इसलिए शायद वो लोगों तक उतना संवाद नहीं कर पा रहा। ये एक मेरठ कैंट, हाँ एक तो मेरठ कैंट है, इसके अलावा जो मेरठ, तो इसमें बीजेपी को आप एज देख रहे हैं मेरठ कैंट? हाँ मैं एज पाता हूँ। इसी तरह मेरठ दक्षिण जो सीट है, जो आउटर है, उसमें जिस गुर्जर समुदाय के लोगों का प्राधान्य है और वहाँ पर जो उनका कैंडिडेट है वो लगातार क्षेत्र में मौजूद भी रहा है इन 5 सालों में। चाय एक बार और बोला जाए क्या? एक बात, एक सेकंड, बीच में चाय जरा 3 चाय और गरम गरम दे दीजिएगा और पकौड़े भी खाते रहे, चाय आपको और बोल दो। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं पा रहा हूँ कि इस बार बीजेपी के जो कैंडिडेट्स बेहतर स्थिति में दिख रहे हैं वो सिर्फ वो हैं जो पिछले 5 सालों में अपने क्षेत्र में लगातार मौजूद रहे हैं, लोगों से संवाद जिनका रहा है और जिन्होंने काम किया है, वो चाहे गंगोह का इनका MLA हो, चाहे इनका बागपत का MLA हो, चाहे यहाँ मेरठ दक्षिण का हो, चाहे दादरी का हो, ये वो MLAs हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में लगातार मौजूदगी बनाए रखी और लोगों से संवाद बनाए रखा है, काम किया, लोग कहते हैं कि नहीं उन्होंने काम किया है, तो केवल उन जगहों पर भाजपा की स्थिति दूसरे क्षेत्रों की तुलना में मुझे बेहतर दिखती है, मजबूत दिखती है, वो मजबूती से लड़ते दिखते हैं, बाकी जगहों पर तो एंटी इनकम्बेंसी या ये कहिए कॉम्बिनेशन का जो जोर है और ये जो पुराना मजगर फार्मूला जो था उसको रिवाइव करने की जो बात थी वो लगभग रिवाइव्ड है। मजगर चलने का मतलब है कि दूसरे सारे फार्मूले फेल होने ही हैं। अब मजगर का जिक्र इन्होंने किया, मजगर चौधरी चरण सिंह का फार्मूला था, हालांकि अजगर भी बिहार में कहा गया था, बट मजगर मतलब मुस्लिम, जाट, गुजर और राजपूत, ठाकुर, ये चौधरी चरण सिंह के समय ये फॉर्मूला माना गया, विनिंग कॉम्बिनेशन जाति का। अब पुष्पन जी आपसे कि मेरठ के साथ साथ, चूँकि मेरठ के साथ सीटों, चूँकि मेरठ में हम हैं तो मेरठ के साथ साथ, बीच में तब तक आप ब्रेक करते हो, पकौड़े खाते रहिए आप, हाँ, तो मेरठ की 7 सीटों के साथ साथ आप क्या कैलकुलेशन देखते हो उसमें? मैं BSP के भी एंगल को समझना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि जैसे मैं कल आगरा में था, आगरा में समाजवादी पार्टी 1 सीट तब जीती जब अखिलेश को 225 सीट मिल गई थी 2012 में, राजा हरिदमन सिंह जी, वो भी राजा की वजह से 2 सीट पर उनकी जीत हुई, वो सब सपा की जीत नहीं, वो राजा की जीत थी, तो क्योंकि वहाँ दलित वोट बैंक है और उनके साथ कुछ जुड़ता है, तो मायावती की राह आसान हुई 2002 में भी, 7 में भी, 7-7, 8-8 सीटें आगरा की जीती बसपा ने, तो यहाँ भी मेरठ में भी दलित फैक्टर है, जहाँ जहाँ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इवन मुजफ्फरनगर में बहुत जगह ठीक ठाक बड़ा चंक है दलितों का वोट का, तो मायावती फैक्टर और मेरठ से शुरू करते हुए हम कैसे देखते हैं? अंजुम जी, पहले तो आज आपने फिर मेरठ का दौरा किया, हम लोगों को बुलाया, बहुत शुक्रिया। जो सवाल आए, जो मेरे साथियों ने बातें की, कुछ से मैं इत्तेफाक रखता हूँ और कुछ में थोड़ा सा मैं संकोच बरतता हूँ। जैसे जोशी ने कहा कि उनका सरनेम जोशी है, पर वो जोशी नहीं है, जोशी कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन इतने सालों की पत्रकारिता के बाद हो गए, बीच में जो मैंने टोक दिया ना, वो नाराज नहीं होते हैं, वो भाभी जी से थोड़ा रहा होगा, नाराज, तो मतलब घर की नाराजगी यहाँ निकाल रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर इतने दिनों बाद हम उस हवा को भाप ही ना पाएं या क्या गंध है उसको भी ना समझ पाएं तो फिर शायद हमने क्या किया। तो जो गंध आ रही है वो ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। जैसी सुनामी उनकी थी ऐसी गठबंधन की आ जाएगी, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन नुकसान उन्हें ही होने जा रहा है, सबसे ज़्यादा जेब भी उन्हीं की भरी हुई थी, तो अगर जेब किसी की खाली होगी तो भाजपा की होगी। और इसमें मायावती फैक्टर से पहले आपको कुछ और रोचक बातें बताना चाहूँगा जो मेरी जानकारी से मैंने हासिल की है और शायद आपके मतलब की होंगी। जो हाई प्रोफाइल सीट है, जैसे एक का जिक्र जोशी जी ने किया, संगीत सोम, फायर ब्रांड लीडर, और 2013 के दंगे से पैदा हुए, तभी से उनका नाम हुआ और देश में भी छाए, बिल्कुल वो संकट में है।
सुरेश राणा वर्तमान अब आप एक एक करके थोड़ा समझाने के लिए, संगीत सोम का इन्होंने जिक्र किया। संगीत सोम को मैं, कुछ लोग विख्यात होते हैं, कुछ लोग कुख्यात होते हैं। संगीत सोम अपने बयान की वजह से कुख्यात तब हुए जब दंगों के बाद उन्होंने अफगानिस्तान का एक वीडियो वायरल किया या लाइक किया और वो वायरल हुआ, और वो दंगों के दौरान जो मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में जो भाईचारा को तोड़ने की कोशिश, जाट वर्सेस मुस्लिम करने की कोशिश में जो चंद नेता थे, चंद नेता चुनिंदा, उसमें संगीत सोम भी बहुत प्रमुख थे। ये अलग बात है कि आए सपा से ही थे, 2012 में सपा से चुनाव लड़े, इस बार उनका जिक्र कर रहे हैं। अतुल प्रधान सपा के उम्मीदवार हैं, हालांकि बीएसपी के भी नाम संजीव धामा या कुछ ऐसा नाम है बीएसपी का। हाँ चलिए, अब आप थाना तो, बाबा क्यों है कष्ट संकट में? संकट में जैसे श्रीकांत जी कह रहे थे कुछ ने काम किया, विधायकों ने नहीं किया, हालांकि मैं उससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि संगीत सोम ने काम तो किए पर चुनिंदा क्षेत्रों में किए, और अतुल प्रधान छात्र राजनीति से उभर के नेता बने, और वो भी वैसे ही थोड़े दबंग माने जाते हैं जैसे संगीत सोम, लेकिन उन्होंने क्या किया इस चुनाव के आने से पहले, उन्होंने ऐसा लगता है जैसे 2017 से तैयारी शुरू कर दी, और उन वर्गों में जाने लगे अतुल प्रधान जो सपा के पारंपरिक वोटर नहीं माने जाते थे। पहले तो अतुल प्रधान खुद गुजर हैं जो बीजेपी का वोटर माना जाता है। यस, पहले तो खुद वो हैं, दूसरे उन्होंने मुस्लिमों में उस समय से पैठ बनाई, हालांकि वो उनका वोट बैंक है। खास बात ये थी कि मुझे जानकारी है और मैंने खुद देखा कि पूरी बेल्ट में दलितों पे अगर कोई आफत आई, कोई उनके यहाँ कोरोना में डेथ हो गई या कोई गए, तो अकेला नेता अगर कहीं वहीं दिखाई दे रहा था तो अतुल प्रधान दिखाई दे रहे थे। उसके अलावा जो जाति जिस पर सबसे ज़्यादा दाव लग रहा है उस पर मैं विस्तार से आगे भी बात करूँगा, जैसे सैनियों के कुछ गाँव हैं, कुछ बिरादरी है, सैनियों में भी अतुल प्रधान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो ये कोर वोटर है बीजेपी का, जब ये कोर वोटर उधर से माइनस होगा और दूसरी तरफ जुड़ेगा तो संकट में तो संगीत सोम है, आगे क्या होगा भगवान जाने, लेकिन 14 मार्च को पता चलेगा, लेकिन 10 मार्च को, पर स्थिति आज की ये है कि वो संकट में फंसे हुए हैं। चलिए अब दूसरी तरफ आते हैं, थाना भवन आपने शुरू किया, थाना भवन सुरेश राणा, सुरेश राणा भी संकट में है, गन्ना किसानों की नाराजगी वही बेल्ट थी, और मुझे तो यहाँ तक जानकारी है कि उन्होंने आला कमान से बहुत गुहार लगाई थी कि मुझे सीट बदल के देवबंद भेज दीजिए, मैं वहाँ से लड़ लूँगा। तो वो पहले भी बहुत एक बार बहुत ही कम मार्जिन से वो जीते थे सीट, वो निश्चित तौर पे संकट में है जो जातीय समीकरण वहाँ बन रहे हैं, और ख़ास तौर पे उसमें किसान आंदोलन और किसानों की नाराजगी बड़ी भूमिका बनेगी। एक और मंत्री है कपिल देव अग्रवाल। अब एक एक करके मैं बीच में थोड़ा ऐड कर दूं, थाना भवन शामली जिले की विधानसभा सीट है, सुरेश राणा ठाकुर हैं, गन्ना मंत्री हैं, गन्ना किसान सबसे अधिक नाराज हैं। उसमें एक दिलचस्प बात यह है, अभी भी मैं शामली के कुछ इलाकों से होकर आ रहा हूँ, राकेश टिकैत बार बार चुनौती देते हैं और कुछ इलाके के लोग, सुरेश राणा खुद जहाँ जिस मिल पर गन्ना उतारते हैं वहाँ का भी पेमेंट नहीं हुआ है पिछले साल मार्च तक का, सुना है कल कुछ भुगतान हुआ है, कल, क्योंकि बहुत बवाल मचा है, बीजेपी के बहुत विधायकों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है गांव में, तो कल कुछ भुगतान हुआ है लेकिन कुछ बाकी है। गन्ना मंत्री अगर अपने इलाके में फंसा हो और उसके इलाके की बजाज चीनी मिल और एक प्राइवेट और मिल है जो नाम भूल रहा हूँ, वहाँ अगर पेमेंट नहीं हो रही है या देर से हुई, वो एक नाराजगी की वजह है। हाँ आगे है? साल भर का अंतर है, अभी साल भर का पेंडिंग जी, बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही जानकारी है जी। इसी तरह से अब हम बढ़ते हैं मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में भी मुजफ्फरनगर शहर सीट पर, वहाँ से भी योगी मंत्रिमंडल के कपिल देव अग्रवाल मैदान में हैं। कपिल देव अग्रवाल जब शुरू हुआ चुनाव तो ऐसा लगा बड़ी आसानी से जीत जाएंगे और ये केक वॉक की तरह होगा उनके लिए, लेकिन जब आप ज़मीन पे जाते हैं और एक पत्रकार की हैसियत से जाके आकलन करते हैं तो पता चलता है तस्वीर कितनी बदल गई है। अब देखिए वहाँ पर एक पाल खड़ा किया है बसपा ने, यहाँ मायावती फैक्टर आ जाता है ना, अब उन्होंने पाल को खड़ा कर दिया और 20,000 के करीब पाल वोट वहाँ पर है। अब वो पाल वोट कहाँ जाएंगे जो बीजेपी का कोर वोटर था, वो जरूर छिटकेंगे। अगर 10,000 भी माइनस होते हैं तो 10,000 माइनस होते हैं कपिल देव के, और दूसरी तरफ सपा में क्योंकि गठबंधन हुआ है और सपा के चित्रंजन स्वरूप के बेटे वहाँ से लड़ रहे हैं, ये अच्छी छवि है, साफ सुथरी छवि है, तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। मैं तो फिर यहाँ पे एक जोड़ूंगा, थोड़ी थोड़ी जानकारी ऐड करता हूँ। मुजफ्फरनगर में चित्रंजन स्वरूप पहले विधायक रहे हैं 2 बार शायद, लेकिन जो उनके बेटे हैं जिन्हें सौरभ स्वरूप को सपा ने टिकट दिया है, उसमें एक फैक्टर ये भी है कि उनका एक भाई जो पहले चुनाव लड़ा गौरव स्वरूप,
उसको सपा ने टिकट नहीं दिया तो वो मेरी जानकारी जो 4-5 दिन पहले बीजेपी में चले गए, तो वो एक पारिवारिक जो पेच है वो कहीं सपा को नुकसान भी पहुंचा सकता है, एक बात। दूसरी बात, जो बनिया और व्यापारी बिरादरी है वो शहर में डोमिनेट करता है, शहरी जो आबादी है जिसमें भाजपा का रुझान ज़्यादा है भाजपा की तरफ, क्योंकि सारे व्यापारी धंधेबाज लोग हैं, धंधा करने वाले, धंधेबाज निगेटिव मत मानिएगा, और व्यापारी कारोबारी। और दूसरी बात, अमित शाह ने वहीं डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया था, मैं उस सड़क पर भी गया श्री चौक इलाके में, और जानबूझ कर वहीं किया क्योंकि वो उनका कोर वोटर है। तो नेक टू नेक है, लेकिन मुझे थोड़ा एज अभी भी वहाँ बीजेपी का दिखता है। वो की बात सही है, और वो पारिवारिक झगड़े से वो शायद वो उस एज को बीजेपी को का एज बढ़ा है, शायद है वो पारिवारिक झगड़े से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गौरव के चले जाने से ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वैसे भी कपिल जो है वो 3 बार से है और उनका वहाँ पे ठीक ठाक पीआर है। चलिए अब हाँ देखिए, जो आपकी जानकारी है मैं उससे भी इनकार नहीं कर रहा, इनकी जानकारी से भी इनकार नहीं कर रहा। मेरी पहली लाइन जब हमने कपिल देव जी के लिए शुरू की तो यही कहा कि जिस दिन चुनाव घोषित हुआ तो लगा कि वो तो जीत गए। सही बात, लेकिन जब आप जमीन पर जाते हैं तो कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, और मैं ये कह भी नहीं रहा कि कपिल देव हार जाएंगे, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि टाइट में है और चुनाव जो आसान था वो मुश्किल हो, टाइट कंटेस्ट। हाँ, आसान तो कोई भी सीट नहीं, इसीलिए अब एक और अब कुछ और ऐसे वीआईपी सीट आप लोग गौर करिएगा, हम लोग कुछ वीआईपी सीटों की भी बात करें, वीआईपी और अहम सीटों की। पश्चिमी जानबूझ के इसको वहाँ ले गया हूँ सीटों पर, अगर एक यहाँ पर पूर्व मंत्री और लड़ रहे हैं शाहिद मंजूर किठौर से, जो कि पिछली बार किठौर से मेरठ की किठौर सीट है ये विधानसभा सीट, लगता था कि बड़ा मुकाबला तगड़ा होगा, और जो वहाँ से त्यागी जी विधायक हैं सतपीर त्यागी, बड़ी उनकी सज्जन वाली छवि है और वो गांव में आते जाते भी रहे, लेकिन बावजूद इसके जब समीकरण बनने शुरू होते हैं और थोड़ी सी लहर शुरू होती है, गांव में चौपालें शुरू होती हैं और घेर में बैठकर जब बातें होती हैं तो माहौल वहां से पता चलता है, वहीं से बनता बिगड़ता है। इस बार अगर मैंने जानकारी अगर मेरी सही है तो शाहिद मंजूर उस किठौर सीट पर फिर से सपा का परचम लहराने जा रहा है, हालांकि हमें ज्योतिषी नहीं होना चाहिए, और जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसे कहने में कई और फैक्टर भी काम कर रहे हैं किठौर में। पहला तो यह है कि सतवीर के खिलाफ गुस्सा बहुत है लोगों में, उसने कोई काम नहीं किया, पब्लिक में नहीं गया, तो अब वहाँ भाजपा के लोग ये कहकर वोट मांगने जा रहे हैं कार्यकर्ता, देखो भाई ये सतवीर तो बड़ा नालायक आदमी है, इसको तो वोट देना मत, लेकिन भाई योगी और मोदी जी को आपको अपना वोट देना है, अमित शाह भी कह रहे हैं ना, वो तो अमित शाह भी कह रहे हैं, वही बात है। अच्छा, उसमें किठौर में एक और है, एक और किठौर में है कि वहाँ पर कांग्रेस की जो प्रत्याशी लड़ रही है वो काफी हैवी वेट है, बबीता गुर्जर, वो धन सिंह कोतवाल एक गुर्जरों के महानायक है, उनकी पड़पौत्री है, उनके विरासत से है। अब वहीं जहां मैं आ रहा था वहीं आपने उसी का जिक्र किया, और उसमें जैसे गुजरों के गांव में मैं गया था किठौर में, और गुजरों की भी तादाद ठीक ठाक है, वो नाराज थे कि ये सतवीर त्यागी की जगह हटाकर और गुजर को वोट मिलना चाहिए, अगर गुजर को टिकट मिलना चाहिए, अगर हमारी बिरादरी का नहीं मिलेगा तो हम नहीं देंगे त्यागी को, बीजेपी से मेरा वो कहते हैं ना योगी तुझसे बैर नहीं लेकिन त्यागी तेरी खैर नहीं, तो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, उसमें गुजर वोट बट सकता है, आप शायद ये कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि गुर्जर एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसा वर्ग है जो किसी पार्टी में नहीं है, वो कभी बीजेपी को जाता है, कभी वो सपा को जाता है, कभी कांग्रेस को जाता है, लेकिन जब कोई गुर्जर कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसके तो वो सारा एंड ब्लॉक गुर्जर उसको पड़ता है। और इसमें भी एक खास बात और है, रोचक है ये बात कि अगर दो गुर्जर खड़े हुए हैं तो जो ज्यादा बड़ा गुर्जर होगा, मतलब धन में बल में दबंग होगा, हर तरह से मतलब समर्थ होगा, तो वो फिर उसके पास जाएगा, एंड ब्लॉक बढ़ता नहीं है वो आमतौर पर, ऐसा नहीं है कि आधा उधर चला गया आधा उधर चला गया। बसपा का जो कैंडिडेट है वो भी गुर्जर है माबी, और वहाँ दलितों की संख्या भी ठीक ठाक है, और एक और वहाँ पर ओबीसी का जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो भी बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहा है, तो वहाँ चुनाव जो है कुल मिला के जो स्थितियाँ हैं वो अभी तक शाहिद के फेवर में जाता है। अब शाहिद मंजूर जो किठौर से हैं वो मंत्री रहे हैं अखिलेश की सरकार में, और उनके पिता भी 4 या 5 बार वहाँ से, 4 बार शायद वो 4 या 5 बार अलग अलग जगह से रहे, मतलब उस हाँ वो परिसीमन में सीट कुछ बदले, 5 बार या 4 बार वो विधायक रहे हैं, तो वो परिवार राजनीतिक परिवार है, और ओवैसी ने वहाँ सभा की थी, मैं संयोग से उस सभा में भी गया था, गोलीकांड हुआ। हाँ,
नहीं वो मैं गया था लगता है एक महीने पहले गए थे अभी तो छिजान से जो क्योंकि वो सभा वहीं की थी। हाँ तो हाँ मैं पहली सभा धौलाना में की थी शायद शुरू की थी लेकिन हाँ कैंपेन की पहले धौलाना से उसके बाद किठौर में की थी मैं दोनों सभा में गया था इसलिए बोल रहा हूँ। खैर तो अब हम किठौर से आगे बढ़ते हैं अब किठौर से आगे बढ़ते हैं तो मंत्री आते हैं हमारे दिनेश खटीक हस्तनापुर विधानसभा जो सुरक्षित विधानसभा है मेरठ जिले की वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जिस दिन चुनाव शुरू हुआ आप कहीं किसी चौपाल पे चले जाइए चौक चौराहे पे चले जाइए तो यही था दिनेश खटीक तो जीत गए। सपा गठबंधन ने वहाँ से एक बार बसपा से एक राउंड और आ गई क्या योगेश वर्मा ये चाय आपकी है अच्छा अच्छा चाय अभी गई ठंडी हो गई। पूर्व विधायक योगेश वर्मा को टिकट दिया लगा के योगेश वर्मा की छवि और जाट उससे एक थोड़ा गैप रखते हैं क्योंकि वो थोड़ा दबंग दलित है और दबंग दलित को जाट पसंद नहीं करता तो ये लगा कि ऐसा बड़ा नुकसान हो जाएगा और शायद ना जीते। लेकिन आज आप अगर हस्तनापुर में जाएंगे हस्तनापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिनेश खटीक के लिए भी वो केक वॉक नहीं रह गया है और वो भी घिर गए हैं क्योंकि योगेश के साथ वहाँ पर गुजर भी उन्हें मिल गए हैं दलितों में उनका अपना प्रभाव है यहाँ पर वो मायावती फैक्टर को भी फेल करते हैं और दलितों का एक बड़ा हिस्सा वोटों का योगेश वर्मा ले जाने की क्षमता रखते हैं। अर्चना गौतम कांग्रेस से हैं अगर वो भी कुछ परंपरागत वोट अगर काटती हैं तो किसके काटती हैं कांग्रेस के काटते बीजेपी के काटती हैं। इसी तरह से किठौर में जिस तरह से बबीता गुर्जर काट रही हैं तो गुर्जर अगर नहीं होते तो वो भाजपा में ही जाते तो वहाँ से इस तरह से जो सीन बन रहा है जो नुकसान हो रहा है इस तरह से फंस रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है और वो है कैराना। आमतौर पे आप अभी किसी से पूछिए तो आप कहेंगे वहां से नाई दसन जीत गए जीत ही जाएंगे ना ऐसा नहीं है अच्छा चीजें बदली हैं। तो मतलब आप मृगांका सिंह को देख रहे हैं मृगांका सिंह को अब मैं अच्छी टक्कर में देख रहा हूँ। नाई दसन के लिए रास्ता आसान नहीं रहा उसकी दो बातें इनके चाचा के लड़के हैं अनिल पहले दोनों बार जब मृगांका चुनाव लड़ी तो खिलाफ काम कर रहे वो उनके खिलाफ काम कर रहे थे उसके बाद गुजरों की पंचायत हुई और गुजरों ने तय किया कि जैसे हुकुम सिंह को हम देते थे बाबूजी को वैसे ही वोट इस बार मृगांका को दिए जाएं। नाई दसन गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो अलग बात है गुजर तो डीएनए से है तो अलग बात है पहले वोट गिने भी ऐसे जाते थे लेकिन नाई दसन ने अगर दबंगई दिखाई तो उन्होंने अपना नुकसान खुद भी किया उन्होंने गांव में पार्टियां बना दी और ज़्यादातर जो उनकी छवि बनी वो भले मुस्लिम लोगों के साथ जुड़ने की नहीं बनी वो ऐसे लोगों के साथ वो जुड़े जो थोड़े से उदंड या उपद्रवी माने गए इसका नुकसान भी उन्हें नाई दसन को उठाना पड़ेगा। अगर वो ये समझ लें कि सारा मुस्लिम मिल जाएगा तो हो सकता है कि मतदान प्रतिशत कम हो जाए और इधर मृगांका के लिए जोर उससे हमदर्दी तो ये सारी बातें मिला के जो बात कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी ये बेहद इम्पोर्टेंट है। ये नुकसान तमाम जगहों पर सपा और रालोद का जो संयुक्त मोर्चा है इसके कई प्रत्याशियों से ये गलतियां हो रही ये हुई हैं और उसका नुकसान उसको उठाना पड़ रहा है अकेले वहीं की नहीं बाकी चूंकि बात आगे रह गई तो बाकी रह गई तो अब उसमें सिर्फ ऐड कर दूं कि कैराना जैसे बीच में कह दिया वो भी गुजर हैं तो एक इतिहास है कैराना का नाहिद हुसैन के पिता मुनव्वर हुसैन उनकी माँ भी सांसद बनी जीती और उस दौर में उपचुनाव में भी वो 200 साल पहले या 300 साल पहले एक ही बिरादरी के गुजर के कलस्यान खाप का हिस्सा थे। बाबा कलसा ने कलस्यान खाप बनाया था लेकिन वो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया तो वो परंपरा आई और ये गुजर रह गए हिंदू धर्म में। तो हुकुम सिंह और उसके बाद उनकी बेटी मृगांका है बड़ा दिलचस्प है वहाँ एक कलस्यान खाप का एक चौपाल है शायद वहाँ भी मैं गया और नाहिद हसन का चबूतरा है तो चौपाल और चबूतरे में वहाँ की राजनीति बटी होती है उसी का जिक्र कर रहे थे। और नाहिद हसन हसन जेल में है गैंगस्टर एक्ट लगा कुछ वीडियो भी वायरल हुआ अब वो देखना होगा कि कैराना में क्या होता है और बीजेपी की पूरी कोशिश है कैराना के मुद्दे को बार बार उठाने की और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैराना और मुजफ्फरनगर में जो गर्मी है उस गर्मी को हम शांत कर देंगे 10 मार्च के बाद हम जून मई में तो शिमला बना देते हैं ये इसलिए कर रहे हैं और अमित शाह इसलिए कैराना 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 कर रहे हैं तो अभी ये लगातार आपको कैराना कैराना दिखेगा। अब उसके बाद तो मैंने आपको
ये वो हाई प्रोफाइल सीट्स का जिक्र किया जिनको यहाँ पर जब चर्चा होती है तो सबसे टॉप पे उन्हीं की बात होती है, जो मेरी समझ थी, जो मेरे सोर्सेज से मेरी जानकारियाँ थी, जो गणित था उसके बारे में मैंने बताया। अब बात करते हैं मायावती फैक्टर की। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी को ढूंढे नहीं मिल पा रहा। पहले तो ये कि बहन जी चुप क्यों बैठी थी, क्या उन पर बीजेपी का दबाव है, क्या वो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। अब जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट उतारे उससे ये इस बात को और बल मिला लोगों के, यार ये तो वोट काटेगी तो गठबंधन के ही वोट कटेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहन जी कहीं ना कहीं फंसी है, या वो रणनीति क्या बना रही हैं वो तो नहीं है जो 2007 में था। ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि वो स्थितियाँ नहीं हैं। अब हो क्या रहा है कि आपने भी शायद, आप अमरोहा में थे अगर मुझे याद आ रहा है, और एक दलितों के गांव में थे धनोरा में, वहाँ यस मंडी धनोरा में थे आप, और सब इलाके में था, और दलित युवक आपसे कह रहे थे कि साहब हमें तो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और हमारे यहाँ कोई विकास काम नहीं होता कि कौन सा आपने वोट दिया हमें। ये मानस मेरे हिसाब से दलित युवाओं में बन रहा है। अब सवाल आता है कि ये दलित युवा जाएगा कहाँ, इसके बारे में फिर अलग अलग विचार आते हैं। वो क्या है, कुछ चंद्रशेखर की तरफ जा सकते हैं, कुछ कहाँ जाएंगे, कुछ लोग दावा कर रहे हैं गठबंधन पर जाएंगे इस तर्क के साथ कि उनमें ये भय है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर रही है। लेकिन जब मैं खुद गया और यहाँ पर जो दलित बस्ती है उस पर गया जहाँ पे मायावती खुद आई थी, तो मुझे लगा कि वो दलित युवा गठबंधन पर नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे हैं। लेकिन तो यहाँ तो मैं थोड़ा सा बीच में अपना फिर छेपक लगाता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो दलित युवा सब जगह या ज़्यादातर जगह बीजेपी जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि दलित युवा सब जगह चंद्रशेखर के साथ जा रहा है, क्योंकि मैं रामपुर मनिहारन उस खास सीट पर गया, सहारनपुर देहात पर गया, भाई अखिलेश यादव और जब इनकी बातचीत टूटी आपको याद होगा, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दो सीट हम दे रहे थे, गाजियाबाद और रामपुर मनिहारन। रामपुर मनिहारन में ही रामपुर चौराहा है, वो एक जगह है जहां पर वो विवाद हुआ था 2017 में ठाकुर वर्सेस दलित, शबीरपुर है वो जी, जिससे गांव के पास में शबीरपुर गांव है, तो ये सब, हाँ ये सब, हाँ तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो वहाँ दोनों पक्ष के लोग मिले, भीम आर्मी के मतलब इनके पक्ष में भी और मायावती के पक्ष में भी। तो लेकिन जैसे आज भी मैं बहुत दलित बस्ती में गया, बहुत जगह ऐसी भी दलित बस्ती में लोग मिलते हैं, 20 मिलते हैं तो 15 एकदम 20 में 15 मायावती के पक्ष में, हम तो बहन जी के साथ हैं, चाहे हारें चाहे जीते देंगे, तो ऐसे भी हैं। लेकिन यही देखना है कि जो मायावती 20% वोट के साथ, 21% वोट के साथ पिछली बार सिर्फ 19 सीट हासिल की, वो मायावती अब वोट लूज करती हैं, सीट उनकी लूज होती है या बढ़ती है? बढ़ने की बहुत कम गुंजाइश इसलिए दिखती है कई बार क्योंकि लड़ती नहीं दिखती है, लेकिन बहुत सारे लोग उनके पक्ष में तर्क देते हैं कि उनका वोटर साइलेंट है, वो इंटैक्ट है, वो बीजेपी की तरह से उस तरह से लड़ती हुई नहीं दिख रही है, उसे आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। हाँ देखिए, मायावती बहन मायावती कभी लड़ती हुई दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उनकी जो अपनी किलेबंदी होती है वो बहुत मजबूत होती है, हमेशा ये रहा है। इस बार क्या अंतर, उनके पास जो बोला जाता है 20% 22% वोट जो बोला जाता है, वो उनका आधार वोट बैंक नहीं है, उनका आधार वोट जो है वो 12 से 16% के बीच में कहीं होगा। एक्चुअली 20-22% दलित में जो 60% उसके दलित के अंदर जाटो है, जो एकदम कोर वोट है, जो हिलता नहीं है, वही उसका कोर वोट जो है वही है। इसके अलावा जो वोट उनके पास आते हैं वो सोशल इंजीनियरिंग से आते हैं, और इस बार सोशल इंजीनियरिंग जो है उन्होंने कई जगह उसका प्रयोग किया है। जैसे मेरठ शहर में उन्होंने एक कैंडिडेट मुस्लिम उतारा है, एक कैंडिडेट उनका दक्षिण में मुस्लिम है, नहीं मुस्लिम टोटल उन्होंने सपा गठबंधन से ज़्यादा दे दिया। हाँ, लेकिन क्या है कि इस बार आप किसी भी मुस्लिम से जाकर बात करेंगे तो मुस्लिम इतना कैलकुलेटेड है, हाँ नहीं इतना वो संभल कर बात करता है, इतना वो चातुर्य उसमें भर गया है, आप उससे जाएंगे तो वो जानता है कि अच्छा जोशी जी हैं, तो वो फौरन कहेगा हम तो भैया देखो मोदी ने हमें सब कुछ दिया, सारी योजनाएं दी, मकान दी हमारे लोगों को, लोन दिया, ये दिया, हम तो जी भाजपा को वोट देंगे। उनकी महिलाओं से आप बात करिए या जो महिला पत्रकार जाती हैं बात करती हैं, वो कहती हैं 3 तलाक से हमें मुक्ति मिल गई। तो लेकिन आप जब बहुत अपने कोर लोगों के बीच में बैठते हैं तो आपको तब पता चलता है कि ये एक मत है
और इस बार ना बसपा को वोट देने को तैयार है, ना कांग्रेस को वोट देने को तैयार है, जैसे समाजवादी गठबंधन को वोट देंगे, इसके अलावा ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। अलबत्ता ऐसी बहुत सारी सीटों पर है जहां कांग्रेस और बसपा वो सीटें निकाल सकती हैं, अगर एन ब्लॉक मुस्लिम उन्हें पड़ जाए, 58 सीटों में ही वो निकाल सकती हैं सीटें, लेकिन लेकिन वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। वो इस बार इतना डेडिकेटेड है कि उसे मालूम है कि मुझे बस, अच्छा जनता की भी, इससे मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समाजवादी पार्टी को एक वोट वो भी मिल रहा है जो सत्तारूढ़ दल की नीतियों से खपा है, वो जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट आप जिसको कहते हैं, वो ये चुनाव ना अखिलेश लड़ रहे हैं, ना जयंत लड़ रहे हैं, और ना कोई और लड़ रहा है, ये चुनाव जनता लड़ रही है, और है ना जनता वर्सेज भाजपा है, और जब जनता वर्सेज भाजपा है तो फिर आप समझ लीजिए कि अमेठी भी हारी जा सकती है, तो इसलिए मतलब कोई सीट इस वक्त अजय नहीं है। ये अप्रत्याशित रिजल्ट अगर आ जाए कि मतलब 3 अंकों से नीचे फिसल जाए तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। स्थितियाँ जो ग्राउंड पर दिखाई देती हैं वो हकीकत में बहुत ख़राब हैं, अब वो कितनी संभल पाती हैं। अब ये जो अमित शाह वाला आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि गर्मी शांत कर दूंगा, मई जून में भी शिमला बना दूंगा, योगी ने तो ये जो कहा है, इससे जो उनको जाट वोट मिलने वाला था, 50-50% के रेशो पे चल रहे थे दोनों, 50 इनको 50 इनको, करीब करीब थोड़ा बहुत 10-5% इधर उधर आप प्लस माइनस कर लीजिए, अब वो जाट वोट इससे नाराज हो गया। और चूंकि बड़े चतुराई से उसका जवाब जयंत ने दिया, उन्होंने कहा तो था वो कैराना के संदर्भ में, और जयंत ने खुद पे ले लिया, उसने जयंत स्वभाव से गर्म है, हमारा खून गर्म है। तो उससे क्या है, जब आप मुजफ्फरनगर की तरफ अभी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस बयान से ही कम से कम 20% जाट जो है जो उनके तरफ जाने वाला था वो इधर खिसक आया है, संगठन में खिसक आया है। तो ये बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं, और कौन सा फैक्टर कहाँ पर है, अंडर करेंट क्या चल रहा है, किस बात को लेके चल रहा है, युवा किस तरीके से सोच रहे हैं, है ना, तो वो महत्वपूर्ण है, युवा किस तरीके से सोच रहा है। और आपने हरियाणा एक देखा था पिछला चुनाव, कांग्रेस को उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए कोई रैली करने उनका बड़ा नेता गया ही नहीं, गांधी परिवार से कोई गया नहीं, जब क्या कहते हैं रिजल्ट आए तब उन्हें हैरानी हुई, उन्होंने सोचा तब माथा पीट लिया कि अगर हम चले जाते तो सरकार बना सकते थे हरियाणा में, और हरियाणा में भाजपा ने किन के साथ और कैसे सरकार बनाई सबके सामने है, और रिजल्ट क्या आया। तो रिजल्ट जब आता है ना, जब एंटी इनकम्बेंसी होती है, नाराजगी होती है, तो वो फिर 1977 से लेकर आज तक आप देख लीजिए वो किस तरीके से कहट आती है। तो जनता जो है वो इस बार आप ये समझ लीजिए कि रेत के किले पर खड़ी हुई है सत्तारूढ़ पार्टी, और रेत के किले पर खड़े होकर वो कब तक और कितना और किन जुमलों से बच सकती है, ये आने वाला भविष्य बताएगा। अब मैं थोड़ा इससे इत्तेफाक नहीं रखते हुए अपनी बात कहता हूँ, दर्शक जो मुझे देखते हैं और बीजेपी समर्थक, वो तो गाली ही देते हैं कि तुम तो खोज खोज के बीजेपी विरोधियों के बीच जाते हो, तुम जानबूझ के ऐसा करते हो, तुम देखते रहना 10 मार्च को तुम पता नहीं क्या हो जाओगे, योगी जी की है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि 3 अंक पार करना मुश्किल होगा रेत के महल, मैं 3 अंक से नीचे आने की किसी तरह की किसी भी संभावना को खारिज करता हूं अपने नज़रिए से, क्या ऐसा मेरे हिसाब से, एक मिनट मैं अपनी बात कर दे, हाँ मैं अपनी बात करूं, कोई बात नहीं, मैं अपना भी ऑन रिकॉर्ड कर देता हूं कि किसी भी सूरत में 3 अंक के नीचे बीजेपी नहीं होगी, उससे ऊपर होगी, कहाँ होगी वो कैलकुलेशन अभी कहना मुश्किल है, और कैलकुलेशन करके कोई आदमी भविष्यवक्ता वाकई इन्होंने शुरू में कहा नहीं बता सकता। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि बहुत जगह बीजेपी की ओबीसी की कई जातियों में अभी पैठ है, वो पैठ कैसे टूटती है या टूटेगी, या वो नैरेटिव अगले, क्योंकि कई बार क्या होता है पहले दूसरे दौर पे भी चीज़ें बदलती है, आखिरी वक्त में भी बदलती है, वो बदलाव किस दिशा में होगा। लेकिन फिलहाल अब आप अपनी बात कह दीजिए। ऐसा है कि मैंने ये कहा कि ये भी हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो एक तरीके से रेत के टीले पर खड़ी हुई है। अभी ये जाति वाला मामला जो है, पिछड़ों वाला, अगड़ों वाला, मंडल और कमंडल, ये फैक्टर एक अलग दिशा में काम करते हैं। लेकिन जैसे आपकी बात को कहता हूँ मैं, लोधे हैं, कुर्मी हैं, और बहुत सारी ऐसे बैकवर्ड हैं, सैनियों में भी आधा आधा है, आप सैनियों के कुछ गाँव में गए वहाँ समर्थक में मिलेंगे, लेकिन सैनियों की दूसरी खाप में जाएंगे आप मुजफ्फरनगर की तरफ तो वो होगा, है ना। इसी तरीके से प्रजापति हैं, लेकिन इस इलाके में जो मेजॉरिटी वोट है वो जाट है और मुस्लिम है, और जाट और मुस्लिम मिलकर जो है वो एक पूरा कॉम्बिनेशन तय करने में सक्षम है।
भाई जाट मुस्लिम मिलके ही खाली तय कर लें तो 35 से 40 सीटें सिर्फ यही जिता देंगे दोनों मिलके, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिन समुदायों की हम लोग बात कर रहे थे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे त्यागी समुदाय है, तो वो निश्चित रूप से अभी भी भाजपा के पक्ष में त्यागी समुदाय के ज्यादा लोग हैं, गुर्जर हैं, उनका बहुत साफ है। वो थोड़ी देर पहले अभी जोशी भाई साहब ने कहा कि वो अपने मुख्य नेता के साथ ही जाते हैं, अलग अलग जगहों पर उनका अलग अलग झुकाव है, लेकिन गुर्जरों का कोई बड़ा नेता भाजपा की ओर से कहीं नहीं लड़ रहा है। तो आप मान सकते हैं कि गुर्जरों का मुख्यतः झुकाव सपा और रालोद गठबंधन की तरफ ही होगा। सैनी कुछ पॉकेट्स बड़ा नेता मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब जिसका दो जिलों में भी प्रभाव हो, इतना बड़ा भी नेता अगर कोई हो तो जैसे ऐसा नेता कौन है? वास्तव में गुर्जरों के पास इतना बड़ा कोई नेता नहीं, जैसे मलूक नागर हो सकते थे किसी दौर में, उनके बड़े भाई जो है लखीराम जी एक दौर में ऐसा लग रहा था कि वो हो जाएंगे, करतार सिंह बड़ाना हो, करतार सिंह बड़ाना हो, नागर बंधु हो या कोई और हो, ऐसे कांग्रेस जैसे अब जैसे शायद नाम है मनीष चौधरी या क्या नाम है जिसको नकुर से दिया, गुजर है, वहाँ सैनी वर्सेस गुजर हो गया है, सैनी का टिकट कटा इसलिए सैनी नाराज है, वहाँ इलाके के गुजर को दे दिया, तो गुजर है गंगोह में, गुजर है और गंगोह में शायद 8-10-12 चुनाव से गुजर ही जीतता रहा। जी जी जी, जी जी बिल्कुल, जैसे सैनी समुदाय है, अब ये बातचीत थोड़ी इंटरेस्टिंग भी हुई है, तो वो बहुत बड़े इलाके में नहीं है, वो सहारनपुर मुजफ्फरनगर वाले इलाके में ज्यादा सीमित है, तो उनका ज्यादा प्रभाव नहीं है। मुख्य प्रभाव जो अगर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर इन जिलों को देखें हम, तो उसमें जाटों का, उसके बाद गुजरों का, फिर त्यागियों का और जाटों एससी, और उसके बाद जाटों, एक्चुअली कई बार एससी को बातचीत में लोग अंडरएस्टिमेट करते हैं, की बात नहीं करो, जो एनालिस्ट है चूंकि दिखता जाट 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 हर चैनल पे जाट जाट जाट, ऐसा नहीं, लेकिन दरअसल एससी बहुत लगभग 20% है, जी लगभग 20%, कई कई जगह 24 सहारनपुर मुजफ्फरनगर कई ऐसी जगह है जहां एससी और एक और कोई बिरादरी मुस्लिम मिल गया तो जीत जाएगा, जी जी वहां 42 नकुल के बगल वाली सीट जो अब सहारनपुर में ही चार पांच ऐसी है जो मुस्लिम और दलित नंबर 1 नंबर 2 है, जी वही कॉम्बिनेशन है, और वो इसीलिए पहले अगर आपको ध्यान हो मायावती का केंद्र भी सहारनपुर बिजनौर जो हुआ करता था वो मेरठ नहीं था, उनका केंद्र कभी भी वही था, वो आबादी वहाँ है, लेकिन मैं मेरठ, मुजफ्फरनगर और इन जगहों पर जो मतलब दलित वर्ग के साथ सदस्यों की संख्या है वो 20-22% तक अगर हम मान लें वो बड़ा फैक्टर है, उसमें से आधा हिस्सा निश्चित रूप से वो बड़ा कमिटेड है, वो जाएगा बसपा के साथ ही जाएगा, लेकिन जो उसका आधा हिस्सा जो पिछली बार भाजपा की तरफ गया था वो अभी भी भाजपा की ओर जा सकता है, मतलब जो ये गठबंधन है बहुत संभावित है कि इसको दलितों का उतना सक्रिय समर्थन ना मिले, क्योंकि उनका उनको साथ लेने की कोई बड़ी कोशिश नहीं हुई है, इसके बावजूद भाजपा की स्थितियाँ बिल्कुल ठीक नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने तीनों लोगों ने अभी जो जो बातें की, असल में जो मैं कोर ट्रेंड देख पाता हूँ वो एंटी इनकम्बेंसी है, उसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं, मिसमैनेजमेंट चाहे कोरोना के पीरियड का रहा हो, चाहे रोजगारों का ना हो ना हो, चाहे तमाम उलझरुल बातों का हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं 5 सालों में, और सरकार की योजनाओं से असंतोष, उनसे जो जनता में खासतौर पर किसान आंदोलन को लेकर के भी जिस तरह यहाँ का हर दूसरा घर तो किसान का घर है, गन्ना बेल्ट है, गन्ना को लेकर बहुत नाराज़ी है, शहर में दिखाई ना भी पड़े तो भी हर दूसरा घर एक किसान का घर है, और जब किसान परेशान होगा तो चाहे आपके घर में 2 नौकरी करने वाले हों, अन्य स्रोतों से पैसा आ रहा हो, इसके बावजूद घर परेशान ही रहता है, तो थोड़ा इधर है आप भी सामने रहेंगे, नहीं एक मिनट जोशी जी ऐसे मतलब थोड़ा सामने की तरफ देखते बात, अर्बन फैक्टर, अर्बन जो सीट्स हैं वहाँ पर भी किसान आंदोलन का असर रहेगा, इस पूरे इलाके की यही संरचना है, यहाँ पर शहरों में भी जो शहरीकरण हुआ, जो लोग आए हैं वो आसपास के गांवों से आए हैं, उनकी जमीनें हैं, काम है, धंधा है और खेती है, तो उससे मुक्त नहीं है, और ये चैलेंज भाजपा को भारी पड़ने जा रहा है ऐसा लगता है। चलिए अब आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी जी, एक तो मैं अपने भाइयों के साथ अलग होना चाहता हूँ 2 बातों पे, ये अलग कहा कि ये जनता बनाम भाजपा है, तो मैं इसको कहने में संकोच करूंगा, अभी मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू से दिस, और परिणाम तो जनता ही देगी ना, मतदाता तो जनता ही है ना, वो देगी तो जवाब मिल जाएगा। और दूसरे जैसे भाई जोशी ने कहा कि वो शायद
तीन अंकों में भी ना जाए उसमें भी थोड़ा सा मैं संकोच बरतूंगा। अब एक मेरे मन में सवाल रह जाता है जो आप लोगों में और श्रीकांत जी में अभी चर्चा हो रही थी कि अगर इन बातों को हम सब मान लें तो गठबंधन की ऐसी लय। सर मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, तीन अंकों से अगर नीचे चले जाए तो इसमें मतलब आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, मुझे है ये संभव तो ये है कि वो 80 रह जाए, संभव तो कुछ भी है, लेकिन मैं कयास नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे मन में एक सवाल है जो आप लोगों के सामने ही कहना चाहता हूँ कि दलित और जाटों के सहारे, यहाँ पे जाटों और मुस्लिमों के सहारे गठबंधन लड़ रहा है, पर आप ये आकलन कीजिए कि ऐसी कुल मिला के कितनी सीटें हैं जिसमें केवल जाट और दलित ही जीत जाए, जिता दे जाट और मुस्लिम ही जिता दे। भाई आपने अपनी छतरी बड़ी कहाँ कर पाए, आपको कहीं कहीं निजी तौर पर या कैंडिडेट की वजह से छोटी बिरादरियों का या पिछड़ों का वोट मिल रहा है, सब जगह तो नहीं मिल रहा ना। तो हाँ, जो आपने कही उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जब तक इसका विस्तार नहीं होगा तब तक गठबंधन को वो आशातीत सफलता नहीं मिलेगी जिसकी सब लोग बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने भी चतुराई खेली है, जैसे कि मुजफ्फरनगर में जो भी उन्होंने टिकट दिए तो आप देखिए जिस बिरादरी का कैंडिडेट है उसी को दिया। नहीं, जैसे मुजफ्फरनगर में छह टिकट दिए, एक भी मुस्लिम को नहीं दिया, उन्होंने सोच के दिया कि मुस्लिम को देने से संकोच रहेगा, हिंदू नाम होगा तो संकोच नहीं होगा, मतलब कहीं ध्रुवीकरण होने न लगे, इसलिए उन्होंने स्मार्ट मूव किया। एक और उन्होंने स्मार्ट मूव किया, देखिए खतौली में उन्होंने सैनी के सामने सैनी उतारा, मीरापुर में गुजर के सामने गुजर उतारा, वहाँ उनको क्यों एज मिल गई के जो बीजेपी ने उतारा है उस पर एक बाहरी की मोहर लग रही है, और मीरापुर पहले ही भुगत चुका है अवतार सिंह भड़ाना को, तो उन्हें लगता है कि बाहर के प्रत्याशी को से ज़्यादा इसको दे दिया जाए, तो अपने आप उनके पक्ष में चीज जाने लगी। सारा चीज छाट के शहर में उन्होंने फिर अंत में वैश्य समाज को ही टिकट दिया, वैश्य के सामने वैश्य को दिया, पुरकाजी सुरक्षित सीट है तो वहाँ सुरक्षित में तो देना ही था भाई उसको सुरक्षित में, तो उन्होंने ऐसा नहीं स्ट्रेटजिकली किया, ये यही सोच है कि यार कुछ सैनियों के वोट मिल जाए, मीरापुर में गुजर वोट मिल जाए, अगर वो इसी सोच से चलते हैं और सब जगह रहते हैं तो निश्चित उन्हें एक अच्छी सफलता मिलने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। अब इसको उलट के दूसरे तौर लॉजिक से देखते हैं कि भाई बीजेपी को पिछले चुनाव में जो फर्स्ट फेज की जो 58 सीटें उसमें 53 क्यों मिली, 53 इसलिए मिली क्योंकि थोड़े मुस्लिम वोट बटे, जाट एकजुट थे 2019 में तो 91% थे, लेकिन 17 में भी लगभग 80% जाट मिल गए। उसके बाद और जो और जो ओबीसी की जो बहुत सारी जातियां गैर यादव 34-35% उसमें से ज्यादातर जातियों में लामबंदी थी 80% 70%। फॉरवर्ड कास्ट में देखेंगे ब्राह्मण राजपूत और जो भी प्लस बनिया और ये सब, इसका बहुत बड़ा तबका बीजेपी की तरफ गया, 40% वोट मिल गए जो 2019 में 50% तक पहुंच गए। तो वो टूटन तो बीजेपी में साफ इस बार है ना, वो टूटन अगर है तो सवाल उठता है अब ये कि वो टूटन कितना है और इनकी तरफ कितना जुटना है, जो आपने कहा छतरी बरी करना, जिससे 58 में 53 से वो कितना कम होते हैं और ये 4 सीट इनके हिस्से में 5 सीट है, ये 5 से बढ़ के कहाँ जाते हैं है? विपक्ष की बात करो, ओवरऑल जो 5 था। देखिए ऐसा है कि विपक्ष के पास में हारने के लिए, लूज करने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास जो है वो प्राप्त करने के लिए है और वो प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, और बीजेपी जिस शिखर पर खड़ी हुई है उसके साथ सामने चुनौती है कि उसको वो बचाना है और कितना कम से कम डैमेज हो सके, ये उसके लिए एक चुनौती है, और कोई भी कोर कसर तो छोड़ नहीं रहा है, लेकिन अंडर करंट क्या चल रहा है ये अगर हम महसूस करते हैं तो हमें कई जगह ऐसा लगता है, जैसे हस्तिनापुर में ही लेते हैं, दिनेश खटीक वहाँ पर भारी बहुमत से जीतने का उनका भविष्यवाणी लोग कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ इतना खराब माहौल है वहाँ और ऐसे चार्जेज हैं उनके ऊपर। उसके अलावा वहाँ योगेश वर्मा को जो सब गठबंधन ने टिकट दिया है, योगेश वर्मा वहाँ से निर्दलीय जीतने की क्षमता रखता है, वो कभी वो भी मतलब आप समझिए कि वो साधारण है, वो हर धन बल में बाहुबल में वो लड़भेड़ करके उसने अपने हैसियत है ना। तो ये जो सीटें नुकसान हो रही हैं, जब भाजपा कह रही है कि हम 4 सीटें जीत लेंगे, 3 लूज कर रहे हैं, तो आप ये मानिए अगर वो 4 कह रहे हैं तो वो 4 से नीचे जा सकते हैं, 4 से ऊपर। हाथ हस्तिनापुर का मिथक भी बता दीजिए, और हाँ एक मिथक भी है, हाँ हस्तिनापुर का बताइए। सर हस्तिनापुर का मिथक यह है कि हस्तिनापुर में जिस पार्टी का विधायक जीतता है
उसी पार्टी की सरकार बनती है, ऐसी लोगों में धारणा है। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पर दूसरी बार कोई जीतता नहीं है, सही बात है। एक बार विधायक बनने के बाद वहाँ कोई जीतता नहीं है, बिल्कुल। तो शायद उन्होंने वो सीट घटा ली है भाजपा वालों ने पहले से। और भाजपा की बेचैनी का जिक्र इन्होंने भी किया और मोटे तौर पर बाकी दोनों लोगों ने भी, भाई बेचैनी नहीं होती तो अमित शाह कैराना में जाकर डोर टू डोर कैंपेन न कर रहे होते, पर्चा न बांट रहे होते। उसके बाद योगी का कैंपेन देखें, अमित शाह का कैंपेन देखें, सहारनपुर में कैंपेन देखें, और सहारनपुर में गृह मंत्री का ये कह देना कि अगर बीजेपी की झोली आपने वोटों से नहीं भरी तो मैं यहाँ से मुजफ्फरनगर से सहारनपुर के लोगों को बता देता हूँ, मुजफ्फरनगर फिर से जल उठेगा, फिर से जल उठेगा, ये गृह मंत्री कह रहा है। इसका मतलब सीधे सीधे बेचैनी भी है और बांटने की वो कोशिश है, जिस कोशिश के साथ उनको तीन बार कामयाबी मिली, 80-20 भी इसीलिए कहा गया। तो ये उसी मॉडल को जिंदा करना, हाँ उसी मॉडल को, सोतीगंज का जिक्र प्रधानमंत्री का किया जाना, एक प्रधानमंत्री एक छोटे से मोहल्ले का जिक्र करता है और उसके सामने एक वो एक उसे सिर्फ उसके पीछे कारण यही है कि जैसे उनकी पहले कई कोशिशें की, उन्होंने जयंत को लेकर कोशिशें की, जाट समुदाय की जो बैठक बुलाई और उसमें कहा कि जयंत तो हमारे ही हैं, हमारे पास ही आएंगे, गलत तो पार्टी में ये गलत हमारे खुले, हैं। तो ये बताने की कोशिश थी कि जैसे इनके पिताजी हमारे पास चले आते थे और वो किसी भी पार्टी से मिलकर सरकार बना लेते थे, अंदर खाने तो वो कहते हैं इनके डीएनए में है, ये तो ये है ना, तो वो मतलब इस तरह की चीजें वहाँ पर हैं। और अगर आप सीधे सीधे इस चुनाव को देखेंगे तो एक बात साफ नजर आती है कि भाजपा हर सीट पर जूझ रही है, परिणाम कुछ भी हो जूझ रही है, सही बात है, उसको संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी नेक टू नेक स्थिति दिखती है या बहुत दबाव में दिखती है। अब वो दबाव, वही मैंने कहा, उस दबाव में 53 सीट से भाजपा कितना नीचे जाती है ये ज़्यादा अहम है। हाँ जी, मैं वो अभी जब बात कर रहे थे जयंत के निष्ठाएँ बदलने की बात अजीत जी के, और उसमें मैं जयंत को और उनके पॉलिटिक्स को जितना समझ सका हूँ तो मुझे लगता है कि जयंत इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रालोद का जो पतन हुआ था वो निष्ठाएं लगातार बदलते रहने के कारण हुआ था, और इसीलिए जाट समुदाय में ये भ्रम भी बना था कि हम कहाँ जाएं कैसे जाएं, भाजपा की ओर जाने का मूल कारण ही उनका ये था, और इस भ्रम को वो समझने के बाद उससे उभर चुके हैं। मुझे लगता नहीं कि जयंत किसी भी तरह से, पिछले 5 सालों में जब उन्होंने कोई ऑफर नहीं स्वीकार किया तो अब किसी तरह का कोई ऑफर स्वीकार करके भाजपा की ओर जाने की कोशिश करें। एक बात जो इन्होंने कही उसमें सिर्फ और ऐड ऑन करता हूँ, चूँकि कल मैं आगरा में था, जयंत और अखिलेश की रथ यात्रा में मैं रथ में भी काफ़ी देर था और उनसे एक 35-40 मिनट की मेरी बातचीत है। जयंत से मैंने भी पूछा और कुछ पत्रकारों ने भी हाल के दिनों में पूछा होगा, बहुत कैटेगरिकली उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में इसकी कोई गुंजाइश पोस्ट पोल भी नहीं है, इसलिए क्योंकि अमित शाह रैलियों में इसी तरह के डोरे डालने वाली बात करते हैं जिससे जाट कन्फ्यूज हो जाए। परसों अमित शाह ने अनूपशहर बुलंदशहर का क्या विधानसभा क्षेत्र है वहाँ उन्होंने कहा अरे जयंत जी कितने दिन रहेंगे, जयंत भाई चुनाव के बाद सरकार तो बननी नहीं है और आप 3 दिन के बाद उस संगठन में नहीं रहेंगे, वो इसलिए जाटों को कह रहे हैं कि भाई इनका कोई टिकाऊ रिश्ता नहीं है, होगा तो हमारे प्रति ही सॉफ्ट है। और वो जयंत उनको साफ साफ कह रहे हैं कि ये मुझे नहीं करना है, करना होता तो 5 साल में करता यही, और शायद ये करेंगे तो उनके लिए आत्महंता होगी बात, क्योंकि अजीत सिंह की क्रेडिबिलिटी इसीलिए हुआ ना, जीते किसी और के साथ, मंत्री बन गए किसी और सरकार में, तो इसलिए अगर ये गलती रालोद दोहराता है तो रालोद नाम का राजनीतिक दल अस्तित्वहीन हो जाएगा, ये विश्वास रखिए। चलिए 12 खत्म करें, हाँ कर लगभग कर सकते हैं। जो मैं कहना चाहता था अभी थोड़ी देर पहले पुष्पेंद्री जो बात कह रहे थे अंडर करंट के अलावा, अंदर ही रहिए आप बात। भाजपा बीच में जब कैंपेनिंग शुरू हुई थी तो भाजपा लाभार्थी वर्ग के बारे में बड़ा उम्मीद थी उसे कि जिसको कथित रूप से लाभ मिला है वो उनके पक्ष में खड़ा होगा। आपको मालूम है 15 दिन पहले मैं बनारस गया था, तो मुस्लिम बहुत ज़्यादा है, 15 दिन पहले मैं बनारस गया था और संयोग से 3-4 विधानसभाओं में मैं जा सका मित्रों के साथ। जो लाभार्थी हैं जिन्हें लाभ मिला है वो पूरे अधिकार से कहते हैं कि कोई हमारे ऊपर एहसान किया है क्या, किसी ने हम पर किसी ने कोई एहसान नहीं किया है, उनकी भाषा में बताइए। मतलब अगर मैं बनारसी में कहूँ तो ये कि कोनो एहसान कहले हुन कहा हमरे पर कोनो एहसान नहीं है, और एहू में पूरा नहीं मिला लो भैया, जितना मिलेगा रहा वह में पूरा नहीं मिला लो,
115,000 120,000 140,000 ऐसे मिला था और जे सुपात्र हो जे के मिले चाहिए ओके मिलने नहीं है। ये बातें हैं, चलिए शायद ये लोग उन चीजों का ख्याल नहीं कर सके एग्जीक्यूशन के समय कि जो सुपात्र है और उस तक भ्रष्टाचार ना हो और सचमुच लाभ मिल जाए, ऐसा हुआ होता तो शायद जो उम्मीदें थी वो बनी रहे। चलिए मुझे वीडियो खत्म करना पड़ेगा, एक घंटे का लगभग हो गया है, आमतौर पर कोशिश करता हूँ 40-42 मिनट, लेकिन चूंकि तीन पत्रकार थे पश्चिमी यूपी के की कई सीटों पर हमने बात की, क्लोज करना है, कुछ और कहना बाकी रह गया? नहीं यही है बस, अब देखते हैं 10 तारीख को किस तरह से ईवीएम जाती है और जब रिजल्ट आता है तो हमारी बातें कितनी सही निकलती है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। मेरठ के जैन शिकंजी पनीर पकौड़ा नाम के इस ठेहे पर और ये चाय पकौड़ा चल चुका है और अभी चूंकि चुनाव का सिलसिला है, मैं लगातार आपको मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी के उन इलाकों शामली बागपत और बुलंदशहर आसपास के इलाकों में जहां वोटिंग होनी है 10 फरवरी और 14 फरवरी को, यहां से लगातार मैं दिखूंगा और उसके बाद पूरब की तरफ मेरा भी प्रस्थान होगा और चुनाव का सिलसिला भी पूरब की तरफ। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, आप सबका शुक्रिया, आपको भी शुक्रिया खास तौर पर, आपको भी शुक्रिया और नमस्कार और शुक्रिया। चलिए फिलहाल नमस्कार, तो थोड़ा पीछे हो जाऊँ? हाँ हाँ पीछे हो जाइए और इसको बंद करिए, नमस्कार करिए।